उसमें जो भी रोकथाम करनी हो वो समय रहते हुए की जा सके। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री निवास में ये आपात बैठक बुलाई गई है ड्रग माफिया को खत्म करने के संबंध में। इस बैठक में चर्चा होगी। सनी मालवी हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। सनी, आपात बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और लगता है कि ड्रग माफिया को पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो बेहद गंभीर हैं, क्या कहेंगे? जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर एक अचानक आपात बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश में पनप रहे ड्रग माफिया को खत्म करने के संबंध में ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएस, डीजीपी, एसीएस, होम, एडीजी इंटेलिजेंस बैठक में मौजूद रहेंगे और 8 संभाग आयुक्त, IG और 15 जिलों के कलेक्टर, SP को VC के माध्यम से बैठक में जोड़ने का निर्देश दिए गए हैं। जिस प्रकार से जो युवा ड्रग्स में लगातार आगे बढ़ रहे हैं उसको लेकर ये एक आपात बैठक बुलाई गई है और ड्रग्स नशे के विरुद्ध मुहिम के संबंध में बैठक में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नीमच, दतिया, मंदसौर, नरसिंहपुर, रतलाम, सतना जिलों के कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक VC के माध्यम से जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर महानिरीक्षक भी बैठक में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री बैठक में ड्रग माफिया के खिलाफ एक कार्रवाई को लेकर एक बड़े निर्देश दे सकते हैं। जिस प्रकार से लगातार जो युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उस युवा को नशे से हटने के लेकर एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बड़े निर्देश दे सकते हैं, जिसको लेकर बैठक में स्पेशल टीम गठित करने को, युवा वर्ग में नशे की प्रवृत्ति रोकने के लिए अभियान चलने के जैसे निर्देश भी दिए जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी इस जानकारी के लिए। लगातार माफिया पर कार्रवाई हो रही है मध्य प्रदेश में और अब ड्रग माफिया पर नकेल कसने के लिए रणनीति तैयार हो रही है और तमाम जिलों के कलेक्टर और SP से चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपात बैठक उन्होंने बुलाई है और निश्चित ही समझा जाए कि अब मध्य प्रदेश में ड्रग माफिया की खैर नहीं। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप।